The final episode of Benadryl Big Golden Voice Season 5 will be a huge surprise. 92.7 Big FM will be broadcasting the final round of the top 10 contestants. On the occasion of meet and greet with the top 10 finalists, Ace Music Director Anu Malik, along with mentor Kavita Seth, were present for media interactions. Yeah, reality shows bahut kar chuka hun in Indian Idol. Lekin isme radio ke upar karne mein ek apna alag hi maza bhi hai. एक तो आप जब सुनते हैं बहुत गौर से सुनते हैं, रूबरू वाली बात होती है कि एक लड़की गाना गा रही है, क्या गा रही है, मुखड़ा क्या, अंतरा क्या, और साथ में जो म्यूजिशियंस हैं क्या बजा रहे हैं. और मुझे जब मुझे ये फॉर्मेट समझाया गया, पूरा कंसंट्रेशन वॉइस पे ही होता है, वॉइस पर ही कंसंट्रेशन होता है. और मुझे जब ये फॉर्मेट समझाया गया, भाई फॉर्मेट क्या है, कि जो सिंगर्स अलग अलग रियलिटी शोज में गए थे और जो टॉप 10 में नहीं आए, उनका क्या हुआ. तो मैंने बोला तरुण से, क्या चक्कर है. बोला हमने पहले भी, ये पांचवा सीजन है, लेकिन इस बार हम मेंटर्स को लेके आएंगे. एंड आर यू इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग अस. कि जो मेंटर्स, जो गुनी गुनी मेंटर्स, शायद माल्या हैं, कविता जी हैं, जो सुरीली हैं, वो जब गाना बनाती हैं या सुनती हैं या उनको गाइड करती हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े गाने गाए हुए हैं. मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा. और आज मैं दावे से कह सकता हूँ, जितने भी हमारे सिंगर्स जो अभी आपको मिले हैं, ये 100% जो आपने सवाल किया है, हमारे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी टॉप संगीतकार हैं और जो आ रहे हैं, जो आने वाले संगीतकार हैं, जो आ चुके हैं, वो भी सब इनसे गाना गवाएंगे. सिंपल बात सी ये है, सुरीली आवाज़ है और बहुत मुश्किल गाने गाए हैं इन्होंने. इनके मेंटर्स ने भी इनकी बैंड बजाने की कोशिश की है, कि अतरंगी गाने दिए, सरगम वाले गाने दिए, रेंज देखा है, ऑक्टेव देखा है. तो मैंने देखा है बहुत से सिंगर लो ऑक्टेव में अच्छे हैं, कोई मिडिल ऑक्टेव में अच्छे हैं, कोई हाई ऑक्टेव में अच्छे हैं, कोई हरकतें बहुत अच्छी ले रहे हैं, कोई सरगम बहुत अच्छी गा रहे हैं, कोई अपने अपने गाने बना रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात होती है, खुद ट्यून्स बना रहे हैं. काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं इसके अंदर जो मुझे बहुत अच्छा लगा. जितने भी मैंने कंटेस्टेंट को सुना है, तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, तो उन किसी भी आर्टिस्ट के अंदर, वो तब तक वो एक बड़ा आर्टिस्ट नहीं कहलाता जब तक उसके अंदर वो पैशन नाम का फ्यूल ना हो. तो वो चीज़ नज़र आई, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो भूख है कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की, तो वो सभी में नज़र आई. और जिस तरीके से उन्होंने गानों को प्रोड्यूस किया, गाया, निभाया, और जो जो हरकतें हैं ऑलरेडी उसमें, कुछ जो भी नया उन्होंने क्रिएट किया, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग. काफ़ी अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें कुछ और नई आवाज़ें इंडस्ट्री को मिलने वाली हैं.